किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पपीते की खेती। देखिए, अगर पपीते की खेती हम देखें तो व्यापारिक दृष्टि में ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है पपीते की खेती, क्योंकि इसकी सप्लाई जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। अगर इसका अच्छा मुनाफा आप उठाना चाहते हैं तो इसके लिए कौन से क्षेत्र होंगे जहाँ पर आप करें तो ज़्यादा सक्सेस रहेंगे, कहाँ पर लगाया जा सकता है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको यहाँ पर सभी जानकारियाँ मिलेंगी स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हम शुरू करते हैं कि आप इसको कहाँ लगा सकते हैं। ये सामान्यतः पूरे भारत में आप लगा सकते हैं, ये उष्णकटिबंधीय फसल है या समशीतोष्ण में आप भी लगा सकते हैं। तो आप पूरे भारत में आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए जो टेम्परेचर होता है ये 45 तक होना चाहिए, 48-50 तक भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मिनिमम अगर देखे कम से कम तापमान तो 6-7 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। तो ये हो गया कि आप कहाँ लगा सकते हैं। आप पूरे भारत में लगा सकते हैं, तापमान जो जलवायु है वो सब जगह की सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कौन लगाए तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो सामान्यतया जो कस्बा के आसपास क्षेत्र हैं, जिला मुख्यालय के आसपास क्षेत्र है या किसी नगर के आसपास के क्षेत्र हैं, मतलब 20 किलोमीटर के दायरे में अगर वो किसान करते हैं तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसका कारण ये है कि उनको 12 रुपये से लेकर के 20 रुपये प्रति किलो मिल जाता है, और वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 6 रुपये से लेकर के 12 रुपये तक मिलता है। तो ये कारण रहा है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं या शहरी क्षेत्र में हैं तो आपको कितना क्या कैसे मिल सकता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इसको लगाना कब। तो लगाने का टाइम अगस्त और आपका सितंबर है सबसे अच्छा टाइम, और एक होता है कि मार्च और अप्रैल, तो दो टाइम होती है। तो सबसे अच्छा जो रहता है वो अगस्त और सितंबर रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया कि आप कहाँ लगा सकते हैं और कहाँ नहीं लगा सकते। इसकी प्रजातियों के बारे में, इसकी कौन सी प्रजातियाँ हैं, कौन सी आपको लगानी चाहिए, कौन सी नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए नंबर एक पे चल रहा है ताइवान का रेड लेडी 786, अभी आप इसको देख सकते हैं। और उसके बाद है आपका पूसा डिलीशियस, पूसा माइजेस्टी, पूसा नन्हा, और एक हमारे किसान भाई है जो खुद का विकास किए हुए हैं, उसको पूसा D1 करके बोलते हैं, जो ये देख रहे हैं आप। तो ये प्रजातियां हैं, आप इनको लगा सकते हैं। एक और प्रजाति है पूसा ड्वार्फ। पूसे ड्वार्फ की खासियत ये है वो बहुत पौधा छोटा रहता है तभी से वो आपका फल देने लगता है। तो ये फसल है, आप इसको ये लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 9-10 महीने में आपका फल आने लगता है, और हर चीज़ का अलग अलग सिस्टम होता है हर प्रजाति का। तो आप इसको लगाइए, ये प्रजातियां हो गई। इसके बाद आप देखिए, अभी आप अगर पौधे नर्सरी पे खरीदते हैं तो आपके लिए काफ़ी समस्या रहेगी। तो हमारी कोशिश यही है कि आपके घर पर हम नर्सरी तैयार करवा दें, क्योंकि अगर आप कृषि नर्सरी पे खरीदेंगे तो कम से कम 30 रुपये का एक पौधा पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी प्रजाति हो गई। और जो इसका उत्पादन की अगर हम बात करें तो इसका प्रति पौधे के हिसाब से जो आपको 40 से 50 किलो मिलता है, रेट तो आपको पहले ही हम बताए हैं, तो आप गुणा कर लीजिए उससे। इसको आप 6x6 पे लगा सकते हैं, 6x5 पे लगा सकते हैं, या आप 7x4 भी लगा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो आप उस हिसाब से उस दूरी को रख करके लगा सकते हैं। अब देखें तो उपजाऊ अगर मिट्टी आपकी है तो उपजाऊ मिट्टी में आप कहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी मिट्टी में चलेगा। लेकिन यही है कि थोड़ा उपजाऊ रहे, धान गेहूं गन्ना वगैरह आप उसमें लेते रहें तो आप उसमें लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई कि इसका उत्पादन कितना होता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो रोग लगते हैं, तो रोग के लिए क्या है कि अभी यहाँ आपको तो हम नहीं दिखा पाएंगे, तो उसके लिए स्पेशल वीडियो हम बनाएंगे। ये पार्ट 1 है, हम पार्ट 2 भी जल्द ही लेके आएंगे। तो इसमें कम लगती है केले की अपेक्षा, तो इसको कोई भी किसान कर सकता है, ठीक है। और इसमें जो उत्पादन मिलता है आपका ये 40 से 50 हो गया, जो आप रेट बेचते हैं जो बिक जाता है आपका, ये है जैसे ग्रामीण क्षेत्र है तो आपका 8 रुपये से लेकर के 12 रुपये में बिकता है, और वहीं पर शहरी क्षेत्र जो है, जो कस्बा इलाका है, नगर का है, उसके अगल बगल के जो किसान होते हैं उनको मिल जाता है 12 रुपये से 20 रुपये के बीच में प्रति किलो के हिसाब से। और एक एकड़ में जो पौधे लगते हैं वो लगते हैं 6x6 पे अगर आप लगाते हैं तो 1200, 6x5 लगाएंगे तो आपका लगेगा 1500, ठीक है। तो आप ये कर सकते,
वैसे 10 ग्राम अगर लेते हैं तो उसमें लगभग 480 बीज के करीब आते हैं, या 450, 500 ये आंकड़ा रहता है बीज का। तो आप उसी हिसाब से देख लीजिए जमाव उसका किस तरह से होता है। तो आपका ये हो गया कि आप कहाँ पर लगाएं। कहाँ पर लगाने से मतलब हमारा ये है, शहरी क्षेत्र है, कस्बाई इलाका है, तो वहाँ पर ज़्यादा मांग होती है, आप क्षेत्रीय सप्लाई करा सकते हैं। और एक हिसाब से अगर मुनाफे की हम बात करें तो आपको अच्छा खासा मुनाफा इसमें मिल जाता है। अब धान गेहूं करके कोई क्या कमा सकता है, आप तो जानते ही हैं धान गेहूं करके आप कितना कमाए हुए हैं अब तक। नए सिरे से आप खेती करेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा, और ये प्रजातियां भी क्वालिटी अच्छी देती हैं, तो इसलिए आप इन प्रजातियों को लगाइए। और रही बात कि इसको देखभाल के संबंध में कि पौधरोपण कैसे होगा, आपको और चीज़ें जो नहीं जानकारी है वो कैसे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पर हम नर्सरी तैयार करने से लेकर के फल कटने तक की जानकारियाँ देंगे, तो आप इस संबंध में निश्चिंत रहें। अगर आपकी और भी कोई शंका रहती हो तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, हम उसको बता देंगे। और देखभाल के संबंध में जो वीडियो है वो जल्द ही आएगी। तो ये जो फसल है ये एक हिसाब से हम देखें तो 2 साल की फसल है, 2 साल में आपको अच्छा खासा मुनाफा देखे निकल जाती है, उसके बाद आप दोबारा रुपाई कर सकते हैं। तो कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, जैसे जहां पर आप इसको लगाएं पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप इसमें इंटरक्रॉप कर सकते हैं, जैसे जो नीचे आप सब्जी होती है आप उसको लगा सकते हैं, जैसे करेला है आपका, नेनुआ है, तो ये सब चीजें आप नीचे लगा सकते हैं। आप नालियों नाली बना देंगे, बीच से पानी आपका निकल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप पूरी तरह से कीजिए। और अब देखिए एक एक ही वीडियो में हम कितनी जानकारियाँ दे पाएंगे, तो इसका पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए, पार्ट 4 देखिए, बीच से लेकर के बाजार तक सारी जानकारी आपको मिलेंगी। अगर कोई भी दिक्कत आपको हो रही है तो हमसे पूछ लीजिए, हम तो हमेशा उपलब्ध ही रहेंगे आपके लिए। कोशिश तो हमारी यही रहती है कि किसानों को सही जानकारियाँ दी जाए। तो कोई दिक्कत होती है तो आप फोन कर लीजिए और हम उसका जवाब देंगे। और खेती अभी देखिए केले के संबंध में है, तो केले में वीडियो चल रही है, अब पपीते की भी शुरुआत हो रही है तो पपीते की भी चलेगी, आप उसी तरह से हर जानकारी ले सकते हैं। तो ये सब चीजें रही पपीते के बारे में। अब पार्ट 2 में हम बताएंगे कि इसकी नर्सरी कैसे तैयार करें, घर पर ही इसकी नर्सरी आप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो नर्सरी आप तैयार करेंगे, नर्सरी तैयार करने में आपको 2 महीने लगेंगे, इसके बाद आप तैयारी खेत की करेंगे, आप रोपाई कर सकते हैं, और जो भी होगा आप आराम से कर सकते हैं। हम ये कहेंगे कि अगस्त और सितंबर का जो महीना होता है इसमें आप रोपाई कीजिए। और पार्ट 2 में देखेंगे इससे भी झक्कास वीडियो आने वाली है, और जिसमें आप हर चीज़ आंखों से देख सकेंगे कि क्या कैसे होता जाता है। और एक चीज़ ध्यान दें कि इसको हर कोई किसान लगा सकता है, कारण यह है कि इसमें लागत बहुत कम आती है, तो आप इससे निश्चिंत रहिए कि आप अगर खेती करने जा रहे हैं तो इसमें लागत देखिए आप 1 एकड़ लगाएंगे तो आप आराम से अपने ही सब कुछ कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा आपकी लागत नहीं आएगी। देखिए केले की फसल जो है वो तो भाई लागत ज़्यादा लेती है, लेकिन उसी तरह मुनाफा भी आपको देती है। अब जो दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो पपीता आता है, तो पपीता आप करके कमा सकते हैं। और देखिए जैसा भी रहे, और पार्ट 2 से तो हम शुरू करते हैं कि इसकी नर्सरी से बाजार तक का सिस्टम। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, आपको हर जानकारियाँ यहाँ मिलेंगी खेती बाड़ी से संबंधित। आपको किसी चीज़ पे वीडियो बनवाना है, या औषधीय खेती की अभी हम शुरुआत नहीं किए हैं, कारण यह है कि हम रिसर्च करते हैं तभी आपको बताते हैं। तो जैसा भी होगा हम औषधीय खेती भी लेकर के आएंगे, जो सूखा ग्रस्त इलाके हैं उनको भी बताया जाएगा, जो बाढ़ ग्रस्त इलाके हैं उनके लिए भी हम फसलें लेकर के आएंगे। तो जैसा भी हो आप बने रहिए यहाँ पर, और हमारी कोशिश यही रहती है कि किसानों की मदद कर सके। तो थोड़ा आप सब भी हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, हर जानकारी आप तक वेरीफाई करके ही देंगे। तो पार्ट 2 के लिए तैयार रहिए, और जैसा भी हो बताइए। नमस्कार।